नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वनाम, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम, जिसका अर्थ होता है सबका नाम। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। किस संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द काम में लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी का नाम हो, वो क्या है? संज्ञा है, और उसके स्थान पर हम बोल दें वह, तो वह क्या है? सर्वनाम हो जाएगा। वह, मैं, तुम आदि क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। ये किसी के नाम नहीं होकर उसके बारे में संकेत दे रहे हैं। अब देखो सर्वनाम के भेद। सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कुछ नोट, मुख्य बिंदु देखो। सर्वनाम शब्द का प्रयोग शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किया जाता है कि एक ही शब्द अगर बार बार आता है तो वो कथन या वो पैराग्राफ कुछ अटपटा सा लगता है। इसलिए उस संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती है। इसमें 3 प्रधान होते हैं, मैं, तुम, आप। ये 3 प्रधान सर्वनाम होते हैं। बाकी के जो 8 अप्रधान होते हैं वो है, यह है, वह है, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। इस तरीके से 11 सर्वनाम होते हैं। अब देखो इसके भेदों में पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है जो सर्वनाम वक्ता, वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। श्रोता, श्रोता होता है सुनने वाला। और जिसके विषय में कुछ कहा जाए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम में? इसमें एक तो वक्ता होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में एक तो वक्ता होता है, एक श्रोता होता है, और एक अन्य व्यक्ति होता है जिसके बारे में बात की जाती है। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, मुझसे आदि। इसमें खुद के बारे में ही बातें हो रही है। मध्यम पुरुष में जो श्रोता होता, सुनने वाला होता, उसके बारे में बातें की जाती हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, तुझे, तुम्हें, तुम्हारा, आपका आदि। और अन्य पुरुष, इसमें श्रोता और वक्ता दोनों मिलकर किसी अन्य के बारे में बातें करते हैं, वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जिसमें कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? यह है, वह है, इन्हें, उसे, उसने, उनके, उन्हें आदि। ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से पता चलता है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित सर्वनाम का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पास दूर की वस्तु होती है तो उसे हम निश्चयपूर्वक देखकर बता सकते हैं। व्यक्ति या घटना की ओर संकेत करते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे ये है, वह है, ये भी, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे ये है, घोड़ा है, तो संकेत के माध्यम से पता चल गया कि निश्चय रूप से यह है, घोड़ा है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कि जिस सर्वनाम शब्द से यह है हमें निश्चित नहीं होता है कि वो सर्वनाम क्या है, किसके बारे में बात हो रही है। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। यह निश्चयवाचक का विलोम होता है। जैसे मान लो दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो इसमें हमें पहले से ये निश्चित नहीं है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, ये तो हमें दरवाज़ा खोलने के बाद में ही पता चलता है।
जब तक दरवाज़ा नहीं खोलते हैं तब तक वो अनिश्चय रहता है और उसके बाद में वो निश्चय बन जाता है, या दूध में कुछ गिरा है आदि। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है, जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य का आश्रित वाक्य से संबंध जोड़ते हैं, कि इसमें एक प्रधान वाक्य होता है एक आश्रित उपवाक्य होता है, तो इन दोनों वाक्यों का संबंध जोड़ने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जब तब, ये जोड़े में आते हैं, जितना उतना, जैसी वैसी, यद्यपि तथापि, जितना उतना आदि, जैसे जैसी करनी वैसी बननी। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या, किसी व्यक्ति वस्तु या घटना के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, कि हम किसी से कुछ भी पूछते हैं तो उसके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे किसने, कहाँ, कब, किसको आदि क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें उससे पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हैं, उसके बाद में वो उत्तर देगा, कि जिससे हमें उत्तर प्राप्त करने की इच्छा हो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। लास्ट सिक्स नंबर है निजवाचक सर्वनाम। निज का होता है, निज का अर्थ होता है खुद का, कि कर्ता स्वयं के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग करता है, इसमें किसी दूसरे के लिए प्रयुक्त ना होकर खुद के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने, अपनी होता है, ये अपनापन प्रकट करते हैं। जैसे मैं स्वयं दिल्ली चला जाऊंगा, तो इसमें वो किसी दूसरे की सहायता ना लेकर खुद जा रहा है, तो खुद के बारे में प्रकट हो रहा है ये वाक्य। अब देखो कुछ नियम हैं, उन नियमों के आधार पर हम सर्वनामों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला नियम है, सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता। कारक कितने होते हैं, आठ होते हैं, तो सात कारकों का प्रयोग इसमें किया जाता है, संबोधन कारक सर्वनाम में नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है, सर्वनाम की विभक्तियों को शब्दों के साथ मिलाकर लिखा जाता है, कि इनको अलग से प्रकट नहीं किया जाता। संज्ञा में तो उनको अलग से लिखते हैं, मगर सर्वनाम में उनको जोड़कर लिखा जाता है। जैसे मैंने मुझसे, तुमने मुझसे, में से, ये कारक चिन्ह। मैं, हम, तुम के साथ रा रे री का प्रयोग होता है, कि ये भी सर्वनाम के साथ ही जुड़ते हैं, जैसे मेरा, हमारे, तुम्हारी आदि। क्या का रूप हमेशा एक जैसा होता है, चाहे वो प्राणी के लिए हो, चाहे वस्तु के लिए हो, या किसी स्थान, किसी भी चीज़ के लिए हो, इसका रूप हमेशा एक जैसा ही रहता है। आदर शब्द के लिए सर्वनाम बहुवचन में आते हैं, जैसे हम किसी के लिए आदरयुक्त शब्द का प्रयोग करते हैं, कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो बहुवचन में ही आएगा। कोई और कुछ, जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, का बहुवचन क्या होगा, कोई का तो हो जाएगा किन्हीं, कुछ का कुछ ही होता है। एक एग्जांपल है, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, इसमें जो रेखांकित शब्द है आपने, ये कौन सा सर्वनाम है, ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है, कि इसमें अपने खुद के बारे में बातें ना होकर किसके बारे में बातें हो रही है, नेहरू जी, जो दूसरा पुरुष है। अब देखो आगे, निश्चयवाचक और अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम की पहचान क्या होती है, कि दोनों के उदाहरण एक जैसे ही हैं। अब इनमें अंतर देखो, वह पुस्तक मेरी है, ये तो निश्चयवाचक है, कि वह इशारा करके बता रहा है कि वह पुस्तक मेरी है, और अन्य पुरुष में इसी वाक्य को कैसे प्रकट करेंगे, वह मेरी पुस्तक है, तो इसमें
वो बताएगा कि वह मेरी पुस्तक है। ऐसे सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण दोनों के उदाहरण एक जैसे हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है? यह काफी होशियार है। इसमें यह जो शब्द है वो क्या है? सर्वनाम है। यह लड़का बहुत होशियार है, यह सार्वनामिक विशेषण है। इसमें यह जो है यह लड़के की विशेषता बता रहा है। तो लड़के की, लड़का क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो इसमें यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। और इसमें काफ़ी से पहले यह लगा, तो काफ़ी कोई संज्ञा नहीं है, तो यह क्या है? यह सर्वनाम है। तो आज के वीडियो में वैसे इतना ही। धन्यवाद।